नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर की आमदार ज्योति कालानी का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से राजीनामा दे दिया है, जिसके बाद शहर में खबरों की बाजार गर्म है और अटकलें लगाई जा रही हैं और यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अब कालानी परिवार की भाजपा की टिकट पर अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है। आपको बता दें, 2017 के महापालिका के चुनाव हुए थे, तब टीओ के और बीजेपी साथ आए थे और इन्होंने चुनाव लड़ा था और महापालिका पर अपनी सत्ता काबिज की और उल्लासनगर महानगर पालिका में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का महापौर बना था। आमदार ज्योति कालानी के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से राजीनामे के बाद अब शहर में यह चर्चा शुरू हो गई है कि अब लग रहा है कि उल्लासनगर विधानसभा से कालानी परिवार को भाजपा की उम्मीदवारी लगभग तय मानी जा रही है। आने वाली विधानसभा के चुनाव में टीम ओमी कालानी की संगठनात्मक बहुत मजबूती से हमने तैयारी की है, किस तरीके से विधानसभा को चुनाव को हमको सामने जाना है और भारतीय जनता पक्ष के साथ में हम आदरणीय मुख्यमंत्री साहब के अध्यक्षता में हम यहाँ पर उल्लासनगर में काम कर रहे हैं। पर संगठनात्मक काम करते हुए अंबरनाथ विधानसभा पर, कल्याणपुर विधानसभा पर, ये तीनों विधानसभाओं में हमने बहुत ज़बरदस्त संगठन बनाया है और संगठनात्मक हमने पकड़ भी बनाई है आदरणीय ओमी कालानी जी की अध्यक्षता में। पर हमने इस बार कुछ संगठन को बढ़ावा करते करते संगठन को थोड़ा विस्तार किया और हमारे नरेंद्र पवार साहब के भी विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ पर खड़कपाड़ा, योगीधाम, ये क्षेत्र में जहाँ पर सिंधी बहुल इलाके हैं, वहाँ पर भी बहुत अच्छा संगठनात्मक हमने काम किया है। तो आने वाले विधानसभा की पूरी ज़बरदस्त हमने तैयारी कर ली है। कमलेश जी, 2017 के महापालिका चुनाव में आप अपना भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, क्या आपको लगता है कि इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको आमदार की टिकट आपके ओमी जी को मिलेगी या पंचम कालानी जी को मिलेगी? नहीं, जरूर है। हमने पक्ष श्रेणी से आदरणीय मुख्यमंत्री साहब से हमने मांग की है टिकट की और वो मांग लगभग पूरी होगी, ये मैं आशा करता हूँ। पर आप देखेंगे कि पिछले 20-25 सालों का आप उल्लासनगर का राजनीति का इतिहास देखेंगे तो भारतीय जनता पक्ष के साथ ही आरटी नगर सेवक रहे हैं, सत्ता में बैठे हैं पर कभी महापौर नहीं बन पाए थे। तो इस बार जैसे ही ओमी कालानी जी आदरणीय मुख्यमंत्री साहब की अध्यक्षता में जब हमने काम करना चालू किया और जैसे ही इस बार महानगर पालिका के चुनाव हम भाजपा के साथ हम लड़े और हमारे सबके सब कैंडिडेट हमने कमल के सिंबल पर उतारे, तो उसका नतीजा भी निकला कि 32 नगर सेवक हमारे शहर के इस बार भारतीय जनता पार्टी पर हुए और आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने ओमी कालानी जी के आदेश दिए कि जो पहला महापौर है इस शहर का, मनपा का पहला महापौर सत्ता की स्थापना होते वक्त, वो मीना एलानी जी बने। तो इससे पूरा नज़र आता है कि आदरणीय ओमी कालानी जी के वजह से मीना एलानी जी पहली बार महापौर बने और आदरणीय मुख्यमंत्री साहब की अध्यक्षता में पहली बार इस उल्लासनगर शहर के महानगर पालिका पर भारतीय जनता पक्ष का झंडा फहराया। ये सब पूरा जो क्रेडिट है वो आदरणीय मुख्यमंत्री साहब को जाता है और ओमी कालानी जी ने इसके लिए बहुत ज़बरदस्त मेहनत की थी। विधानसभा की टिकट के लिए आपको लगता है कि भाजपा से आपको यह टिकट मिलेगी? हमने आदरणीय मुख्यमंत्री साहब से इसकी मांग की है और आदरणीय मुख्यमंत्री साहब को पता होगा कि ये शहर में किस तरीके से विकास, सुरक्षा और विश्वास इन किन लोगों का, उल्लासनगर वासियों का, कालानी परिवार पे है। तो मुझे अपने व्यक्तिगत रूप से मुझे विश्वास है कि आदरणीय मुख्यमंत्री साहब हमारी मांग को पूरा करेंगे। एक आखिरी सवाल कमलेश जी, चुनाव लड़ेगा कौन, ओमी कालानी के पंचम ओमी कालानी? वो आने वाला वक्त बताएगा, पर महापौर पंचम कालानी जी से भी लोग बहुत आकर्षित हो चुके हैं। उनका जो एक साल का कार्यकाल रहा महापौर का, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने काम किए शहर के विकास के लिए, शहर को 4 FSI के लिए, फिर शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर महाराष्ट्र की सदन तक आदरणीय मुख्यमंत्री साहब तक आवाज़ पहुँचाई और हर एक जो इतिहास में कभी नहीं हुआ वो शहर को देने का काम आदरणीय महापौर मैडम ने किया है। तो उनकी तरफ भी लोग बहुत आकर्षित है और दूसरी तरफ संगठनात्मक रूप से और उल्लासनगर के युवा हैं, उनकी भी पुकार है कि ओमी कालानी होनी चाहिए। तो वो पारिवारिक डिसीजन है, आने वाले दिनों में वो लिया जाएगा। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।